नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग स्लैब का शटरिंग और कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं देखने वाले हैं। आज हम स्लैब का शटरिंग और स्लैब का कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो देखेंगे ड्राइंग के हिसाब से। सबसे पहले अपना मेजरमेंट शीट तैयार कीजिए। सीरियल डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन, यूनिट नंबर, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, क्वांटिटी और रिमार्क्स। उसके बाद स्लैब शटरिंग क्वांटिटी। अभी स्लैब शटरिंग क्वांटिटी आप हम ड्राइंग देखेंगे। एक स्कूल बिल्डिंग है, उसका प्लान है फर्स्ट फ्लोर का। तो स्लैब का क्वांटिटी निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पोर्शन का क्वांटिटी निकालेंगे, फिर ये बीच वाला पोर्शन का क्वांटिटी निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और फिर लास्ट वाला निकालेंगे। तो सबसे पहले ए टू पी ये टोटल इधर से निकालेंगे। इसमें 230 का बीम या वॉल हम कंसिडर करेंगे, उसके हिसाब से देखिए। फ्रॉम ए टू पी एक नंबर, लेंथ कितना है 39.65 माइनस 0.23 माइनस 0.23, मतलब ये टोटल लेंथ है 39.65, इसमें माइनस 23 माइनस 23 दोनों साइड का ये कर दिया। ये हम शटरिंग का निकाल रहे हैं इसीलिए। और उसके बाद ब्रेड्थ कितना है 6.17 माइनस 0.23 माइनस 0.23, मतलब ये ब्रेड्थ 6.17 माइनस 0.23 माइनस 0.23। और डेप्थ है 150 mm थिकनेस कंसिडर किया है। तो अभी क्वांटिटी कितना आएगा, नंबर्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू नंबर्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका मतलब ये नंबर है 39.17 × 5.17 = 223.77 स्क्वायर मीटर। नंबर्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 223 स्क्वायर मीटर। इसमें स्लैब का साइड्स हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो साइड में बीम है, इसलिए वो बीम के शटरिंग में आता है। अभी दूसरा है फ्रॉम 3 to 4। अभी 3 to 4 मतलब ये बीच वाला पोर्शन है 3 to 4, और इसका डायमेंशन ऐसा है 39.65 माइनस 0.23 माइनस 0.23, मतलब ये साइड का और ये साइड का। तो इसका आ गया अपना 39.19 1.845, मतलब 2.075 माइनस 0.15, ये आ गया अपना 39.19, मतलब ये 39.65 माइनस 0.23 माइनस 0.23, और ये विड्थ आएगा 2.075 माइनस 0.23, क्योंकि ये इधर चला गया इसलिए सिंगल ही पकड़ा। ये देखिए इधर 2.075 माइनस 0.23, और इसका स्लैब थिकनेस है 0.125। तो अभी स्लैब का शटरिंग एरिया कितना आएगा, नंबर्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 1 × 39.19 × 1.845 इज इक्वल टू 72.31 स्क्वायर मीटर। उसके बाद ये क्लासरूम इधर है, देखिए ये क्लासरूम का हम डायमेंशन लेंगे। क्लासरूम का डायमेंशन क्या है, 6.17 इंटू ये 1.61 प्लस 2.27 प्लस 3.895 माइनस 0.115, मतलब ये डायमेंशन 6.17। ये बाद में ये 1.61 प्लस 2.27 प्लस 3.89 प्लस माइनस, इसका हमने हाफ वॉल है इसलिए इसका 0.115 माइनस किया है। डेप्थ है 0.150। तो ये कितना आ गया, 1 × 6.17 × 7.66 47.26 स्क्वायर मीटर। अभी कंप्यूटर लैब में कैसा है, इधर देखिए कंप्यूटर लैब, ये डायमेंशन है। कंप्यूटर लैब में कैसा है, 1 × 5 × 3.17 0.15 टेप। तो इसका कितना, सॉरी कंप्यूटर लैब 1 × 4.7 मतलब 5 − 0.23 इधर का आ गया आपने, और ये आ गया 3.17 − 0.115
इंटू 0.15 इज इक्वल टू 1 इंटू 4.77 इंटू 3.055 इज इक्वल टू 14.57 स्क्वायर मीटर। अभी इसका कॉन्क्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, अभी सेम डायमेंशन है ऊपर का देखिए। इस कॉन्क्रीट निकालते समय हम फ्लो स्लैब आउट टू आउट कंसिडर करते हैं, ध्यान में रखिए। कॉन्क्रीट का क्वांटिटी निकालते समय स्लैब हम आउट टू आउट कंसिडर करते हैं, इसलिए इधर 39.65 है और ये है 6.17 और 0.150 इज इक्वल टू नंबर्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ 1 × 39.65 × 6.17 × 0.15। इसके बाद 3 to 4 मतलब ये इसका भी 39.65 × 2.075 × 0.125 नंबर्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, ये स्लैब का क्वांटिटी आ गया 3 to 4। अभी क्लासरूम का कितना आएगा 6.17 × 7.775 ये जैसे इधर दिखाया 1.61 2.27 3.895 ये डायमेंशन, तो उसके हिसाब से 0.15 = 7.20। कंप्यूटर लैब का आएगा 5 × 3.17 × 0.15 1 × 5 × 3.17 × 0.15 = 2.38 क्यूबिक मीटर। स्लैब का शटरिंग क्वांटिटी निकालते समय बीम साइड में है तो बीम का थिकनेस माइनस करके इंटरनल स्लैब का लेना है, और कॉन्क्रीट क्वांटिटी निकालते समय स्लैब का आउट टू आउट डायमेंशन लेना है और उसमें, और बीम का क्वांटिटी निकालते समय बीम का जो स्लैब थिकनेस माइनस करके अंदर का साइड लेना है, बाहर का साइड कंप्लीट लेना है, और कॉन्क्रीट क्वांटिटी बीम का निकालते समय स्लैब का थिकनेस माइनस करके बीम का क्वांटिटी निकालना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार मेरा चैनल आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।